Hello students, welcome back to your science online class. Today we will discuss about the topic wool production. Okay, so what is wool production? Let's see. The production of wool involves sequential steps. They are rearing, shearing, scouring, grading, sorting, dyeing and making yarn. Right, what is rearing? अब हम इन जितने आपके ब्लू टॉपिक्स हैं ये सारे मैंने अंडरलाइन किए हैं, इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट इज रियरिंग ऑफ शीप. व्हाट इज रियरिंग? दैट मींस पालन पोषण, शीप्स का पालन पोषण. भेड़ों का पालन पोषण कैसे करते हैं? फर्स्ट स्टेप आता है, जब आपको ऊन चाहिए होती है तो उसके लिए भेड़ों की ज़रूरत होती है. शीप से आपको ऊन मिलती है, तो शीप का पालन पोषण कैसे करते हैं? दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, राइट? सो लेट सी. शीप आर प्लांट ईटर्स, वो प्लांट खाती हैं. दे ईट हे, ग्रेन्स एंड ग्रासेस. अ मॉडरेट टेम्परेचर इज सूटेबल फॉर रियरिंग ऑफ शीप. शीप क्या है? प्लांट्स को खाती हैं, वे सूखा घास भी खाती हैं, अनाज भी खाती हैं और घास, हरा घास भी खाती हैं, राइट? उनको जीने के लिए या उनके एक पालन पोषण के लिए हमें मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. ना वो ज़्यादा टेम्परेचर को हैंडल कर पाती है, ना ज़्यादा कम टेम्परेचर को हैंडल कर पाती है, राइट? रियरिंग ऑफ शीप फॉर वूल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड सिक्किम. बेसिकली यहाँ पे इन स्टेट्स में, जिनके नाम बताए गए हैं आपको, इन स्टेट्स में ऊन का जो उत्पादन है उसके लिए भेड़ों के पालन पोषण को एक ऑक्यूपेशन बना लिया गया है, राइट? कि जिन, क्या बताया गया है कि जिन स्थानों पर भेड़ों का पालन पोषण होता है वो वहाँ पे एज अ ऑक्यूपेशन होता है. उन्होंने व्यवसाय बना लिया है उस चीज़ को, वो एज अ ऑक्यूपेशन वर्क करते हैं वहाँ भेड़ों के पालन पोषण के लिए, राइट? देर आर सिक्स इंपॉर्टेंट वूल यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ इंडियन शीप विच आर फाउंड इन डिफरेंट स्टेट ऑफ फॉलोज, राइट? ये आपकी इस टेबल में दी गई हैं. भेड़ की कुछ प्रजातियाँ हैं, दैट मीन्स शीप की कुछ प्रजातियाँ हैं जो अलग अलग स्टेट्स में पाई जाती हैं. फर्स्ट इज़ नाली विच इज़ फाउंड इन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान. इनसे किस प्रकार की वूल मिलती है? कारपेट वूल मिलती है, जिससे कारपेट्स बनाए जाते हैं, राइट? नेक्स्ट इज़ पटनवाड़ी, जो आपको गुजरात में मिलती हैं और इनसे होजरी के कपड़े बनाए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ लोही, जो आपको पंजाब और राजस्थान में मिलती है, इनसे अच्छी क्वालिटी के स्वेटर बनाए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ रामपुर बुशेर विच इज़ फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश, और इनसे क्या मिलता है? ब्राउन फ्लीस मिलता है, जो ब्राउन कलर के बाल होते हैं वो इनसे मिलते हैं, जिनसे अलग अलग डिफरेंट टाइप के फाइबर्स बनाए जाते हैं, राइट? फैब्रिक बनाए जाते हैं, सॉरी. नेक्स्ट इज़ मड़वारी, जो आपको गुजरात में मिलती हैं, इनसे आपकी बहुत ज़्यादा मोटी मजबूत ऊन बनाई जाती है. नेक्स्ट इज़ भाकरवाल विच इज़ फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, और इनसे आपके वुलन के शॉल्स बनाए जाते हैं, राइट? जो आप वुलन में सर्दियों में वुलन शॉल्स ओढ़ते हैं वो इनसे बनाए जाते हैं, भाकरवाल जो शीप होती है. द बेस्ट वूल कम फ्रॉम द इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट मेंबर्स कंट्रीज, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड उरुग्वे, राइट? कि जो आपकी बेस्ट वूल है, जो सबसे अच्छी ऊन है, वो कहाँ से आती है? इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट से आती है, जिसकी वो एक, ये एक संस्था है ऊन बनाने की, राइट? इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ मेंबर्स हैं इसकी? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका एंड उरुग्वे. ये कंट्रीज़ यहाँ पे मेंबरशिप रखती हैं, ये इस संस्था को अपनी कंट्रीज से वूल ट्रांसफ़र करती हैं, और फिर ये जो संस्था है ये पूरे वर्ल्ड में उस ऊन की क्या करती है? बेचती है उसको, राइट? ओके. Now this is selective breeding. What is selective breeding? Some sheep do not bear many coarse fleece. They have only fine underhair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft underhair. This process is termed as selective breeding.
देखिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, कुछ हमें बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी के फैब्रिक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फाइन वूल की ज़रूरत होती है। तो सभी शीप ऐसी नहीं होती जो सॉफ्ट ही वूल देती हैं, कुछ वूल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, कोर्स होती हैं, राइट। तो कुछ ऐसी भेड़ें होती हैं, ऐसी शीप्स होती हैं जो मेनली सॉफ्ट वूल देती हैं। तो ऐसी उनके पेरेंट्स को इसीलिए क्या किया जाता है, इसलिए उनका पालन पोषण किया जाता है जिससे वे और ऐसे ही भेड़ों को जन्म दें जो सॉफ्ट ऊन देती हैं हमें, राइट। तो इसीलिए इसको हम इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, शेयरिंग। व्हाट इज़ शेयरिंग? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इज़ कॉल्ड शेयरिंग। शेयरिंग इज़ लाइक कटिंग हेयर, इट डजंट हर्ट। द पर्सन हु रिमूव्स द वूल इज़ कॉल्ड शेयरर। एन अडल्ट शीप इज़ शॉर्न वंस इन ईयर ड्यूरिंग समर। शेयरिंग इज़ डन आइदर मैनुअली यूजिंग अ मैनुअल डिवाइस कॉल्ड ब्लेड शेयर और अ मशीन शेयर विथ क्लिपर्स ऑफ अ पेयर ऑफ सीजर्स। इट कैन ऑल्सो बी डन बाई यूजिंग अ शेयरिंग मशीन। सो बेसिकली वॉट इज शेयर? ये एक प्रोसेस होता है जिससे आप क्या करते हो, शीप के बालों को काटते हो। शीप के बालों को काटने का प्रोसेस होता है, इसमें उनको कोई चोट नहीं लगती, राइट। और इस जिससे जो पर्सन भेड़ के बालों को काटता है उसको हम शेयरर कहते हैं। और क्या बताया गया है इसमें, कि इनके जो बालों को काटा जाता है वो मनुष्य के द्वारा काटा जाता है, मैनुअल लेबर से काटा जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लेड शीयर या फिर मशीन शीयर, राइट। और हम भेड़ों के बालों को काटने के लिए शेयरिंग मशीन का भी यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है सॉरिंग। इन दिस टॉपिक द फ्लीस ऑफ शीप कंटेन डस्ट, डर्ट, ड्राइड स्वेट एंड ग्रीस। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द शीयर वूल विथ सॉप एंड वाटर टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस इज नन एज सॉरिंग। नाउ डे सॉरिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन। सो वॉट इज सॉरिंग? इट इज़ जब आपकी जो ऊन होती है या भेड़ के जो बाल होते हैं वो उसके ऊपर से उतार लिए जाते हैं, उसके बाद उनके उनके अंदर डर्ट होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, धूल होती है, उनका पसीना वगैरह सब कुछ मिक्स हुआ हुआ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो उनको साफ़ करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, सॉरिंग कहलाता है। और ये सब काम हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेडिंग एंड सॉल्टिंग। आफ्टर सॉरिंग एंड ड्राइंग ऑफ हेयर और फर, द हेयर आर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर देन ग्रेडेड एंड सॉल्टेड। द सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स आर फर्ज आर पिक्ड आउट एंड सेंट फॉर रिप्रोसेसिंग। द सेपरेशन ऑफ वूल इंटू डिफरेंट क्वालिटीज फाइबर बेस्ड ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इट इज़ फॉर्म इज कॉल्ड सॉल्टिंग, राइट। सो वॉट इज सॉल्टिंग? कि जब आपकी जो वूल है वो धुलकर आ जाती है, साफ होकर आ जाती है, तो उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, दैट मीन्स उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड सॉल्टिंग, राइट। कि अच्छी जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की फाइबर्स होती हैं, पतली पतली होती हैं, उनको अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया जाता है, जो थोड़ी रफ़ होती हैं या उनके कलर बेस पे उनको ग्रुपिंग की जाती है, राइट। कि जो ब्राउन कलर की है उनको अलग छांट लिया जाता है, वाइट कलर की है उनको अलग छांट लिया जाता है, क्रीम कलर की है उनको अलग छांट लिया जाता है। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सॉल्टिंग। नाउ आपका प्रोसेस आता है नेक्स्ट डाइंग। द फाइबर्स आर डाइड इन वेरियस कलर्स डिपेंडिंग ऑन दर आवर रिक्वायरमेंट्स बिकॉज द नेचुरल फ्लीस इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। डाइंग क्या होता है? बेसिकली डाइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलरिंग। कि जब आपकी फ्लीस को अलग अलग सेपरेट किया जाता है ग्रुपिंग के बाद, उनको उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग उनको कलर किया जाता है, राइट। जैसे जो हमारी ब्राउन फ्लीस होती है उसमें हम ब्लैक कलर कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम उसमें लाइट कलर करेंगे तो उसकी जो ब्राउनिश कलर है वो हमें दिखाई देगा, राइट। तो उन सब की जो ओरिजिनल टेक्सचर होता है उसके अकॉर्डिंग उनमें कलरिंग की जाती है, डाइंग की जाती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइंग। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज कार्डिंग। डाइड वूल इज देन पास थ्रू अ मशीन हैविंग मेटल टीथ इन इट। दीज मेटल टीथ कॉम्ब आर यूज टू स्ट्रेट द वूल। द स्ट्रेटन फाइबर इज़ नाउ स्पून इन टू यार्न। कार्डनिंग क्या होता है? कि उनको एक ऐसी मशीन से, जब आपकी
कलर हो जाती है जो फ्लीस होती है शीप की, फिर उसको एक ऐसी मशीन से गुजारा जाता है जो उस वूल को स्ट्रेट कर देती है, क्योंकि वो थोड़ी कर्ल फॉर्म में होती है तो उसको स्ट्रेट किया जाता है बाद में, और स्ट्रेट करने के बाद उनके धागे बनाए जाते हैं, उनको काता जाता है, राइट। सो नाउ योर नेक्स्ट प्रोसेस इज स्पिनिंग एंड वीविंग। वॉट इज स्पिनिंग? देखिए, स्पिनिंग इज डन बाई ट्विस्टिंग द फाइबर्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। क्रिम्स ऑफ वूल मेक द स्पिनिंग ईजी वाई हेल्पिंग द अटैचमेंट ऑफ फाइबर्स टू वन अनदर, राइट। स्पिनिंग क्या होता है कि आपके जो फाइबर्स होते हैं जो कलरिंग के बाद या कार्डिंग के बाद आपके आते हैं, उनको एक साथ मोड़ा जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे ऐड कर करके उनको ट्विस्ट किया जाता है, जिससे हमारे क्या बनते हैं, धागे बन जाते हैं लंबे लंबे, राइट। धागे तो नहीं कह सकते, यार्न बोल सकते हैं उनको, राइट। द फाइबर्स आर कॉम्ब स्ट्रेट एंड रोल इन टू यार्न। उनको फिर पतले पतले से बहुत स्ट्रेट धागों में कन्वर्ट किया जाता है। थ्रेड ऑफ वूल्स आर ऑब्टेन आफ्टर स्पिनिंग वन और टू थ्री थ्रेड्स ऑफ वूल टुगेदर। जो आपके थ्रेड्स होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, दो तीन यार्न को एक साथ मिला के थ्रेड बनता है, राइट। द लॉन्ग फाइबर्स ऑफ वूल आर यूज टू मेक वूल फॉर स्वेटर्स एंड स्मॉल फाइबर्स आर यूज इन क्लॉथ्स, दिस इज नोन एज वीविंग। जो आपके लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, लंबे लंबे जो ऊन होती है आपकी, उनको स्वेटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो आपकी छोटी फाइबर्स होती हैं उनको वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वीविंग मशीन। सम पीपल बाय द वूल एंड यूज़ द इट फॉर निटिंग स्वेटर्स। क्या होता है, जो आपकी वीविंग वूल होती है उसको या तो वीव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन, मशीनों की सहायता से, या फिर कुछ लोग उसको यूज़ करते हैं घर पे स्वेटर बुनने के लिए, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस इज स्क्रैबिंग। आफ्टर निटिंग एंड वेविंग फैब्रिक गोज थ्रू हॉट एंड कोल्ड वाटर टू सेट द क्लॉथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैबिंग। कि वेविंग और निटिंग के बाद, बुनाई के बाद जो आपके तैयार होते हैं स्वेटर्स, उनको गर्म या ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। कुछ ऊन ऐसी होती हैं जिनको गर्म पानी में रख के वो अपने सही फॉर्म में आती हैं, और कुछ ऐसी होती है जिनको ठंडे पानी में रखने के बाद वो अपनी सही फॉर्म में आती हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैबिंग। ओके, सो आपका आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।